क्या अजय आलोक कांग्रेस पार्टी ने सही प्लेटफॉर्म पर सही समय पर सही जगह सही तरीके से विरोध नहीं किया और अब वो उसका लाभ लेना चाहते हैं? अजय आलोक बोलिए अपनी बात, फिर सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए रोहित जी, कांग्रेस पार्टी को आदत हो गई है सेल्फ गोल करने की। आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन स्पीकर का और डिप्टी चेयरमैन का होता है कि इसमें क्या करना है। बिल्कुल सही है, संवैधानिक है, तर्कसंगत है। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि गुलाम नबी साहब का बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बयान आ चुका है कि आज से नहीं, पिछले 10 दिन से नहीं, 2 महीने से लोकसभा के स्पीकर भी और राज्यसभा के चेयरमैन भी उनके संपर्क में थे और किन मुश्किल परिस्थितियों में इस संसद का संचालन स्पीकर को करना पड़ेगा, किन प्रेशर के तहत, ये बयान आया है गुलाम नबी आज़ाद साहब का। तो कांग्रेस पार्टी को तो अपने नेताओं के बयान का पता नहीं है, पता नहीं कौन सी लीक में अभय दुबे बोल रहे थे। दूसरी बात, बहुत सही कहा अभय दुबे ने कि अपने गिरहबाह में झांकते नहीं हैं। 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर का भी एग्जाम्पल दिया, लेकिन 49 के एग्जाम्पल को आज 2020 में ला रहे हैं। 61 में ये एग्जाम्पल कहाँ गया था, 71 में कहाँ गया था, 75 में कहाँ गया था, 76 में कहाँ गया था, जब सही में सवाल पूछने की जरूरत थी, इमरजेंसी के मुद्दे पर, राष्ट्रपति शासन लगाने के मुद्दे पर उस समय सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बिहार के बारे में जब यही सवाल पूछा गया था राष्ट्रपति शासन लगाने में, तो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार कटघरे के घेरे में आ गई थी, प्रस्ताव गिर चुका था, इसलिए राष्ट्रपति शासन पे सवाल पूछने वक्त जवाब नहीं था। आज सवाल इसलिए हटाया गया है प्रश्नकाल, क्योंकि ये समय नहीं है प्रश्नकाल का। इसका और एग्जाम्पल देता हूं, मान गया मैं आपकी बात अभय जी, आशुतोष जी के हिसाब से भी प्रश्नकाल विपक्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सरकार को घेरने का मौका मिलता है, क्यों ना करें, विपक्ष का काम क्या है। लेकिन प्रश्नकाल भी व्यक्तिगत होते हैं और राष्ट्रहित में इसे छोड़ना चाहिए। इसका लाजवाब उदाहरण सुषमा जी ने प्रेजेंट किया था 2011 में, जब उन्होंने अपनी तरफ से यह प्रस्ताव दिया था राज्यसभा लोकसभा दोनों में कि प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए और देश में व्यापक भ्रष्टाचार पर हम लोग इस पर चर्चा करें। उस वक्त इनके राज्यसभा और लोकसभा के चेयरमैन ने यह बात नहीं मानी, पीजे कुरियन साहब का बयान था। तो अपने हर बातों को आप भूल जाइए और कन्वीनियंटली मैटर को, गोल पोस्ट को शिफ्ट करते रहिए, तो ये इससे घटिया राजनीति क्या होगी। आज कोरोना काल एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप लोकसभा का संचालन राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले गुलाम नबी आजाद साहब को समझा लेते हैं, उसके बाद अभय जी आगे कहते हैं। अजय जी, अभूतपूर्व है, का गला घोटना इसको नहीं करते, अभूतपूर्व स्थिति है सर। अगर अभूतपूर्व स्थिति है तो जूम पे बुला लेते फिर संसद का सत्र भी, जैसे सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं, या कोई और व्यवस्था कर लेते उसके लिए। अभूतपूर्व स्थिति है कि आड़ में अगर चीजों को बदला जाएगा तो लोग सवाल तो उठाएंगे ना। आशुतोष जी ने कहा 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लेते, 2 घंटा एक्स्ट्रा कर लेते, और जगह आप 2 दिन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, किसी वीकेंड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है, आधा आधा सत्र इस्तेमाल किया जा रहा है, हाफ सेशन लोकसभा की हो रही है, हाफ सेशन राज्यसभा की हो रही है। मैं आपको इसलिए बताता हूं, हाल में अभी कह रहे थे भैया भेजे कि किसी भी विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ, बिहार विधानसभा में हुआ। अभी हमने 4 अगस्त को सेशन बुलाया था, 1 दिन का सेशन था, प्रश्नकाल नहीं था, 0 आवर तक नहीं था, क्योंकि मामले की नजाकत ऐसी है। आपको ये काम भी करना है, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद है, लोकतंत्र की मर्यादा है, ये काम आपको करना है। हर काम आप जूम पे नहीं कर सकते हैं, और अगर ये काम हो रहा है तो उसमें एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की तरह सहयोग करने की जगह, आपके नेता के सहयोग करने के बावजूद आप उसमें प्रवक्ता लोग आके उसमें मियां मिर्ची लगाने लगेंगे, तब तो भगवान मालिक ऐसी पार्टी का, जिस पार्टी में खुद विरोधाभास हो उसे आपको क्या लगता है कि देश की जनता कुछ उम्मीद करेगी। नहीं, लेकिन ओवैसी ये कह रहे हैं प्रश्नकाल हटाने का फैसला केंद्र ने अकेले कैसे कर लिया, और अभय जी गुलाम नबी आजाद के बयान से ये बात साफ पता लगती है कि उन्हें सब कुछ पता था, आधे विपक्ष को पता था, आधे को नहीं पता था, क्या ऐसा है? या फिर आप लोगों को पता था, आप लोग वहां हां करते रहे और यहां टीवी पे बैठ के नाना का खेल खेल रहे? देखिए अप्रामाणिक बात है, अप्रामाणिक बात है। मैं पहले अजय आलोक जी आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। अप्रामाणिक क्या है सर? अप्रामाणिक क्या है? रेगुलर से अप्रामाणिक क्या बात था? रोहित सरदाना जी, जब नोटिफिकेशन होता है तभी वो सार्वजनिक होती है बात, और तभी अधिकृत रूप से वक्तव्य जारी किया जाता है। 15 दिन का समय नियत है उसमें, आप अगर कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल देखेंगे तो उसमें ये निर्धारित है कि 15 दिन पहले आपको सबमिट करने होंगे प्रश्न। एक बात अजय आलोक जी जो कह रहे थे वो विशेष सत्र है, विशेष 1 दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र आहूत करें तो स्वाभाविक है प्रश्नकाल उसमें नहीं होगा। और जो सुषमा स्वराज जी का ये उदाहरण दे रहे हैं वो ध्यान आकर्षण और स्थगन है, ध्यान स्पीकर का निर्णय होता है, प्रक्रिया है, और स्पीकर का निर्णय होता है, तो आज भी स्पीकर का ही निर्णय है, तो सम्मान कीजिए स्पीकर के निर्णय का। पता नहीं है, सुन लीजिए, विशेष सत्र में हम मानते हैं स्पीकर
के निर्णय का सम्मान कीजिए ना। विशेष विषय पर चर्चा करने मुझे सब पता है, देश को भी पता है। करिए आपकी दोहरी नीति और आपके दोहरे रंग का चेहरा सामने लाना था बस। आज हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये निर्णय राजनीति से प्रेरित निर्णय है शुद्ध रूप से। स्पीकर का निर्णय सर्वोपरि होता है, उसका सम्मान कीजिए। मोदी सरकार मनमानी बात में विश्वास करती है। आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। रोहित सरदाना जी जैसे मूर्धन्य पत्रकार हैं, पूछिए इनसे कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हो और एक प्रश्न उनसे किया हो। तो ये जो उनका व्यवहार है वो परिलक्षित करना चाहते हैं सदन में, और सदन की आत्मा को सदन में से निकाल देना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत बुरी परिस्थिति है। अजय आलोक जी, राजनीतिक दल कोई भी हो, कम से कम रक्षार्थ व्यक्तिगत प्रश्न को अगर आप सदन की आत्मा बताते हैं तो ये सदन का अपमान है। सरकार व्यक्तिगत प्रश्न कभी सदन की आत्मा नहीं हो सकती है। गलत बात आप कर रहे हैं। आप उनकी संगत में रहकर बिगड़ गए ये बात जी। आपकी भी व्यक्तिगत प्रश्न कभी सदन की आत्मा नहीं बन सकती है, मगर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन तक लेकर आए। व्यक्तिगत प्रश्न सिर्फ कांग्रेस की आत्मा बन सकती है, बाकी दलों की नहीं। व्यक्तिगत प्रश्न सिर्फ कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टियों की आत्मा हो सकती है, सदन की आत्मा नहीं बन सकती, इसको नकार नहीं सकती। आप अगर अंबेडकर जी का कंस्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ेंगे तो उन्होंने विश्व की सारी सदनों का उदाहरण देकर कहा था कि क्वेश्चन आवर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जानने के अधिकार का महत्व क्या है। अंबेडकर जी की आत्मा को तो आपने जीते जी मार दिया। अभी सुधांशु जी ने बताया ना आपको।